हमारे साथ हैं जी अय्याज अली, जो इसमें आप नजर आते हैं, इस फिल्म में कैरेक्टर हैं, और फहद स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्टोरी इनकी है, अदील डायरेक्टर और एडिटर हैं, ये तीनों हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। पहले अय्याज अली, आपसे बात हो जाए, कैसा लगा आपको इस फिल्म में काम करके, क्या उम्मीदें आपकी? मुझे इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम कर। जब सरफाद ने मुझे ये कहा था कि भाई आपको ये फिल्म करनी है, फिल्म की स्टोरी देखकर मुझे तो सुनकर मैं मतलब शॉक्ड हो गया था। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको शूट करते हैं। तो हमने एक ही दिन में इसको शूट की और बहुत मज़ा आया, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस फिल्म में। जबरदस्त, एक ही दिन में ये फिल्म शूट की। जैसे मुझे गुड न्यूज़ मिली कि ये फ्रांस में सिलेक्ट हुई है, माशाल्लाह, अमेजिंग, बड़ी बात। अच्छा, फहद की जानिब जाऊंगी, जिनकी ये स्टोरी है। फहद, ये बताइए कि जो है वो चाइल्ड लेबर पे आपने एक जो है वो मैसेज देने की कोशिश की है, ये कैसे आपको ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे आप सोचा कि चाइल्ड लेबर पे हम ये मूवी बनाए? जी, जैसे आप पूरे कराची में ही देख लें कि इस तरह के बहुत से मतलब बच्चे हैं जिनको एक से एक टैलेंट है, मगर एजुकेशन के हवाले से वो बहुत पीछे हैं। जैसे कराची हो, लियारी की तरफ हो, या गार्डन, बहुत से ऐसे एरिया, तो वहाँ से इंस्पायर होकर ये मुझे एक स्टोरी मैंने अपने माइंड में रखी थी, बहुत पहले मैंने रखी थी, तकरीबन 1.5 साल हो गए इसको, मगर एक अच्छा सा मतलब मुझे प्लेटफॉर्म मिलता तो मैंने कहा कि इसको बना के कोई फेस्टिवल वगैरह में भेजें, ताकि इंशाल्लाह हम लोग को कुछ वहाँ से हासिल भी हो। तो इस वजह से हमारी टीम ने तो ये डिसाइड किया कि 1 मिनट की फेस्टिवल हो रही है, हम वहाँ इसको भेजे। तो हमने मोबाइल के ज़रिए एक दिन में सुबह तकरीबन 7 बजे सारे सब लोग उठ गए थे, तो शूट कर करके वही शाम हो गए, तो हमने पूरा एक ही दिन में पूरा शूट किया था इसका। कमाल कर दिया आपने, यानी एक बच्चा है, उसको हीरोज़ का माइकल जैक्सन का, इन लोगों का पता है, लेकिन बेचारे को तालीम का कुछ नहीं पता, वो एक दूसरा चार्ट नहीं पढ़ सकता, कितने इतने कम वक्त में इतना बड़ा पैगाम। अदील, आप डायरेक्टर हैं, एडिटर हैं, बाकायदा मेरे भाई, आपने कोई तालीम हासिल की है? वैसे करते क्या हैं आप? बेसिकली मेरा काम ही यही है, अभी तक मैंने किसी इंस्टीट्यूट या तो किसी यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल नहीं की, और माशाल्लाह ये जो हमारा अवार्ड, जब इसको हम लोग जीतेंगे, ये हमारा 13वां अवार्ड होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग 12 अवार्ड जीत चुके हैं पाकिस्तान से। कमाल है, बगैर ट्रेनिंग के, और इसके अलावा डायरेक्शन में, आप इन्हीं से कमाते हैं इस तरह की फिल्म्स के जरिए? जी जी बिल्कुल, कमाल है। और अभी इनको ट्रेनिंग नहीं है, सोचें अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो ये क्या कमाल कहीं से पढ़ा नहीं है, ये रॉ टैलेंट है, कमाल है। अच्छा अय्याज, मेरे भाई आप बताएं, आप वैसे करते क्या हैं? सर, मैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हूँ, थिएटर ही करता रहता हूँ। अभी हमने शॉर्ट्स फिल्म में काम करना शुरू किया और ये मेरी तकरीबन 6th मूवी होगी अगर मैं गिनूँ तो उसको। काफ़ी चैनल्स के साथ मैंने काम किया और सर अदील के साथ मैंने, ये पहला मेरा प्रोजेक्ट है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी फिल्में की हुई हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी मैंने लिए हुए हैं। बेसिकली मैं थिएटर्स करता हूँ, ज़्यादातर थिएटर्स करता हूँ मैं। वेरी गुड। और फहद, आपने कहीं से पढ़ा है, आप बकायदा एज अ प्रोफेशनल ये काम कर रहे हैं?